यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का रोड शो जारी है। यमुनानगर, रोहतक, फरीदाबाद और हिसार के बाद मुख्यमंत्री शनिवार को कुरुक्षेत्र में रोड शो करेंगे। इस दौरान सीएम करीबन डेढ़ घंटे लोगों के बीच रहेंगे। रोड शो को लेकर जहां भाजपा ने कमर कस ली है, वहीं पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। विधायक सुभाष सुधर ने गुरुवार को थीम पार्क में चल रही तैयारियों का भी जायजा लिया। सैनिक कॉलोनी, लक्ष्मण कॉलोनी, शास्त्री मार्केट, शांति नगर सहित सनातन धर्म मंदिर आदि सभी जगहों पर लोगों को न्योता भी दिया गया। विधायक सुधा के मुताबिक मुख्यमंत्री सबसे पहले थीम पार्क में पहुंचेंगे। यहां पर लोगों से अपने मन की बात को साझा करेंगे। इसके बाद यहीं से रोड शो की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए शहर में 15 स्वागत द्वार भी बनाए गए हैं। तो कुरुक्षेत्र में आज सीएम का रोड शो होने जा रहा है, जिसके चलते 15 स्वागत द्वार भी बना लिए गए हैं और कहीं ना कहीं तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है और शो को लेकर सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है और अनेकों संस्थाएं यहां पर मौजूद रहेंगी जो वहां पर स्वागत करेंगी। साथ ही आपको बता दें कि सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना यहां पर ना हो और सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये पूरा रोड शो निकलेगा। शो को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और साथ ही आपको बता दें कि इसी चीज को देखते हुए 15 स्वागत द्वार भी बनाए गए हैं जहाँ से होकर सीएम मनोहर लाल खट्टर गुजरेंगे। Thank you.